ठंड मौसम में आप आए हो, तो आप क्यों आए हो यहाँ पे, क्या सोच के आए हो? मैम प्रोग्राम करने आई थी यहाँ पर। ओके, दैट्स वेरी गुड। सानवी, यही नाम है ना आपका? सौम्या। सौम्या, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? आई लाइक साइंस एंड मैथमेटिक्स। ओके, साइंस। साइंस में क्या? आई लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, and what do you want to become? I want to become an IITian. IITian. To kya karna chahte ho aap, kya lagta hai aapko ki aap IITian banke how can you contribute to the welfare of your country India? Durga Mata kya karti hai? आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। अनन्या पाठक जी, आप अभी तो बहुत छोटी हैं दुर्गा के बाल रूप में, जब बड़ी हो जाएंगी तो इस डंडे को अपना हथियार बनाइएगा, एजुकेशन का हथियार और अच्छे संस्कारों का हथियार, और उनकी खूब पिटाई कीजिए। इससे दुष्टों को मारते हैं ना, तो आप ऐसे ही करना, ठीक है? ईश्वर आपको खूब खुश रखे। बेटा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी सी। तो आपको आपकी मम्मी ज़्यादा अच्छी लगती है या आपको अपनी क्लास टीचर ज़्यादा अच्छी लगती है, और कौन ज़्यादा पढ़ाई कराता है? मम्मा? नहीं, पापा। पापा? अच्छा, तो आपने दोनों ऑप्शंस ही नकार दी। ओके, आपको पोयम आती है कोई? आपने बहुत अच्छा अभी जो बोला दुर्गा जी के ऊपर, जो रक्त बीज के संहार का, तो वो तो बहुत अच्छा आपने बोला। तो आप बेटा यहाँ पे आए हो, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है आके? अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू। Sorry, you couldn't hear. Can you please repeat your intro? My name is Nutan Upreti. I am studying class 8. My hobby is playing games and dancing. My hobby is coach of taekwondo. Very nice. इसमें जितनी तुमने बातें बताई ना कि पृथ्वी कभी धैर्य नहीं छोड़ती है, और गगन कहता है कि खूब विस्तृत बनो, खूब फैलो, तो तुम जीवन में ऐसे ही फैलना, ऐसे ही अच्छे काम करना, ठीक है? क्या काम करोगे, कौन सा अच्छा काम करोगे? ओके पलक, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, बहुत प्यारे लग रहे हो, एंड यू वर्क्ड वेरी नाइसली ऑन द स्टेज। आप इतने छोटे से हो, इतना बड़ा स्टेज है, तो आप को डर नहीं लगा यहाँ पे आते हुए? अच्छा, किसने आपको ट्रेन किया था, किसने सिखाया आपको? मैम ने सिखाया कि मम्मी ने सिखाया? मैम ने सिखाया। ओके, तो आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है? स्कूल में आपको लगता है कि सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए कि खेलकूद भी होना चाहिए? खेल भी होना चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए। अच्छा, क्यों? खेलने से बच्चों की सेहत बनती है, पढ़ने से बच्चे बन जाते हैं। अरे वाह, बहुत प्यारे, आप इतने छोटे से हो, आपने इतना परफेक्ट आंसर दिया है ना, वेरी नाइस। और आप जरूर डॉक्टर बनेंगी और बड़े होके अपना परिवार का नाम रोशन करेंगी। माय बेस्ट विशेस, थैंक यू। बेटा, आपने जो ये ड्रेस पहनी है, ये आपको आप जानते हो ऐसी ड्रेस किनकी थी?
केसरी ड्रेस है ये, ओके वेरी नाइस। और किस क्लास में हो? केजी। केजी में हो, इतने प्यारे लग रहे हो, इतने गोलू मोलू से। और पोएम आती है आपको? यस मैम। सुना सकते हैं? सुनाइए। कोई सी भी, चाहे हिंदी की चाहे इंग्लिश की। टू लाइंस, पूरी पोएम जरूरी नहीं, टू लाइंस। अच्छा, कौन सा फेवरेट कलर है आपका? रेड। तो रेड कलर में आपको ट्रैफिक लाइट पता है? ट्रैफिक लाइट? अच्छा, ओके, बहुत अच्छे, थैंक यू। थैंक यू। अर्णव सिंह राणा, अर्णव सिंह आप वापस आ जाओ स्टेज पे। अर्णव, आपको वो पोयम आती है? यस मैम। जरा सुना दीजिए जल्दी से। हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आती, जैसी भी आती, सुना दो बस। अच्छा चलो, अपने पापा का नाम बताओ। नरेंद्र सिंह राणा। एंड व्हाट इज योर मदर्स नेम? माय मदर नेम इज मिसेस रामेश्वरी। नाउ कैन यू से अ पोएम? नो। नो, वेरी गुड। चलिए जाइए, आप जा सकते हैं बेटा। I study in class 3A. My school name is Rani Lakshmi Bai Memorial School. My hobby is dancing and modeling. Thank you. Your tag number is what, Kushi? 19. Your name is Kushi Sonkar. You go to school? Yes, ma'am. Which school? Thank you.
नेक्स्ट प्रदर्शन किया। और इसी के साथ जो
फर्स्ट रनर अप हैं, उनका नाम है कुमारी एंजेल। हमारी फर्स्ट रनर अप कुमारी एंजेल, बहुत सुंदर, इनको कैप पहना करके, पूनम कन्वाल जी से निवेदन है कि कैप पहना करके इनको सम्मानित करें। राजेश्वरी जी बैच, श्रीमती राजेश्वरी जी से निवेदन है कि वे बैच पहना करके हमारे सेकंड रनर अप को सम्मान दें। और हमारे मध्य हरिमा पंजी, अंजना जी, आप कृपया मंच पे आ जाएं और हमारी फर्स्ट रनर अप को बुके दे करके सम्मानित करें। लक्ष्मी जी भी आ जाएं प्लीज, लक्ष्मी जोशी, हरिमा पंजी और अंजना जी। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां भी बजाते रहें कृपया। आप लोग, आप ही लोगों के बच्चे स्टेज पे इतना सुंदर प्रस्तुति देके गए हैं, कृपया जोरदार तालियां से इनका स्वागत कीजिए, इनका मनोबल बढ़ाइए। चैत्र गणपल कृपया आगे आ जाओ, पीछे को गए बेटा। चैत्र, इसके बाद मैं अपने काफों के जो इस बार का चुना गया है या चुनी गई है, आप लोग गेस करें कौन हो सकता है या हो सकती है काफों के। सोनाली, जो हमारी काफों की चुनी गई है वो है कुमारी सोनाली। कुमारी सोनाली देख लीजिए कितने बड़े बड़े बच्चों को कम्पीट करके आगे बढ़ी है। सोनाली काफों की है, उत्तराखंड महोत्सव 2019 की बहुत बहुत बधाई सोनाली। इनको मैं हमारे जज श्रीमती रितु सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वो इसको बैच पहना के इसको काफो किट से सम्मानित करें। और अध्यक्ष जी से निवेदन है कि प्रतीक चिन्ह दे करके सोनाली को सम्मानित करें। और सांस्कृतिक मंत्री जी से निवेदन है कि वे कैप पहना करके हमारे काफो किट का सम्मान करें। मुझे को किसका हाथ है, माने को भूत, ऊपर देखो भूत, ऊपर देखो नीचे देखो। और राजेश्वरी और पूरम कनवाल जी से निवेदन है कि वो दर्द नहीं हुआ काफो किट को। अरे बाबा रुक जा, प्लीज ग्रीन रूम आ जाए पीछे, तुम क्या कर स्टार्ट होगा ना कि वो प्रतीक हार्ट एंड सोल गणेश बंद्रा के कलाकार पीछे आ जाए सम्मानित करें। हार्ट एंड सोल गणेश बंद्रा, बहुत बहुत बधाई सोनाली। और जो ये सोनाली और फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट रनर अप सेकंड रनर अप के पेरेंट्स हैं, कृपया वे भी मंच पे आ जाएं। और पूनम कनवाल जी और राजेश्वरी जी से निवेदन है कि पुष्प गुच्छ दे करके सोनाली जी को सम्मानित करें। पीछे क्यों हो रही है, उनके सम्मान दे दे आगे। इनकी मम्मी को भी ये सम्मान मिला है समझ लीजिए, जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से इस बच्चे को तैयार किया है। ऐसा है आप लोगों के, आप लोगों के मध्य कहीं हमारा काफो किट छिप ना जाए, उसकी फोटो ना हो, बाकी सबकी हो, ऐसा ना हो जाए। हमारे काफो किट को जरा सा आगे निकाल दीजिए प्लीज। काफो की शेप का हमें काफो किट मिला है अबकी बार। और
और सांत्वना पुरस्कार हमारी जो बच्चियां हैं दो, वो आगे आ जाए, उनके लिए सांत्वना पुरस्कार है। और सर्वज्ञा को भी सांत्वना गिफ्ट है। सर्वज्ञा प्लीज आगे आ जाओ बेटा, बहुत सुंदर प्रदर्शन किया इसने।